हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक माइंड रवि पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो एजुकेशन वीडियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि इसके लिए क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए, मेरा जो एक एप्लीकेशन है इसका यूज़ करने का, वो है कि हम लोग एक देखिए एजुकेशन वीडियो बनाते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमको स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, एक कलर नोट नोटपैड की ज़रूरत पड़ती है, और जो है पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है, और वीडियो एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 3 से 4 जो ऐप है इसका यूज़ करना होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपको टाइप करना है तो टाइप के लिए एक जो है, अगर आप चाहे तो जो गूगल इंडिक कीपैड होता है ये भी आप रख सकते हैं, ताकि हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी में, क्योंकि हिंदी वीडियो आप बनाते हैं तो हिंदी में टाइप कीजिएगा तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, उसका भी लिंक दे दिया रहूँगा मैं दोस्तों, आप उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, हमको सबसे पहले कोई भी वीडियो बनाने के लिए क्या होता है, पहले रिकॉर्डिंग तभी करेंगे जब उसको टाइप करके रखेंगे, है ना। तो टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी। तो नोटपैड हम कहाँ से लेके आएंगे, तो नोटपैड हम लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, और यहाँ पर से जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कलर नोटपैड, मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको कलर नोटपैड यूज़ करता हूँ। यहाँ से हम लोग कलर नोटपैड सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर दिखा रहा है ये, मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट दिखा रहा है, क्योंकि मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब चलिए, हम लोग इस क्या करते हैं, यहाँ पर से हम लोगों को इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में देखिए, मैं इसको क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मेरा जो जितने भी इतने दिन का बना हुआ है, जो पेड नोटपैड पे नोट किया हुआ हूँ, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पर आ चुका है, तो आप भी इसको अच्छे से जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ओपन हो जाने के बाद में क्या करना है हम लोगों को, अगर सेटिंग की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सेटिंग इस पर ऑलरेडी नहीं रखता हूँ, बट अगर आप चाहे तो ये कैलेंडर्स वगैरह ये सारा चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं, थीम है ना, तो ये सारा चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर से आप सेटिंग में जाके, और यहाँ पर जैसे डिफ़ॉल्ट कलर वगैरह देखना है, ये कलर को हमको चेंज करना है, तो आप ये सारा चीज़ें रख सकते हैं, बट मैं इसको जनरली येलो पे ही ज़्यादा रखता हूँ। अब यहाँ पर से हाइट वगैरह नॉर्मल, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर वगैरह है यहाँ, काफ़ी सारा चीज़ें है, यूज़ कलर डिटेक्ट, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोर सेटिंग भी है, तो इसको भी देख सकते हैं, बेकअप ये सारा है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि जनरली सेटिंग आजकल सभी को आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोगों को नोट कैसे करना होता है ये मैं बताऊँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ कलर पर क्लिक करना है। देखिए, एरो गया है यहाँ पर, तो कलर कैसे है लगाना है, ये जो है ना प्लस पे, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, क्या होगा, यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ गए, एड नोट और टेक्स्ट, सॉरी एड नोट पे टेक्स्ट और चेक लिस्ट आ गए, तो हमको यहाँ पर नोट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए, अगर आपको सबसे ऊपर जो वाइट का दिखा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको ये वाले पोर्शन पे डेट डाल देना है। वैसे डेट यहाँ पर से भी ऑलरेडी दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको अब क्या कर लेना है, यहाँ पर से मैं यहाँ देखिए कर्सर ले गया, अब यहाँ पर नोट करता हूँ कोई भी, आज 27 तारीख है, मान लो तो 27 मई, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया, अब यहाँ पर से हम लोगों को नीचे क्लिक कर लेना है। नीचे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब कोई भी क्वेश्चन देना है, तो क्या करना है, एक डालना है, और यहाँ पर क्वेश्चन डालने के बाद में क्या करना है, ऐसे बिंदी लगा के इसको टाइप तो आप सभी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं क्वेश्चन जो है वो टाइप करके देख लेता हूँ, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन, भारत की राजधानी कौन सा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे टाइप कर सकता हूँ, तो ये आपको याद करके जो भी है क्वेश्चन है नोट करते हैं उसको टाइप कर लेना है, तो भारत की राजधानी। देखिए, यहाँ पर से मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ऐसा टाइप करने के लिए आप लोगों को एक गूगल इंडिक कीपैड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हिंदी में टाइप करना है दोस्तों, इसको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भारत की राजधानी बहुत सरल हो जाता है इसको टाइप करने के लिए, समय भी नहीं लगता है। राजधानी कौन है, ठीक है, तो इसको ऐसे टाइप कर सकते हैं। देखिए, एक मिनट में ये सारा चीज़ें टाइप हो गए। अब यहाँ पर से नीचे ऐसा बना के इसको ए पे क्लिक करके फिर से इसको ऐसे टच करके क्या कर सकते हैं, पहला
दिल्ली टाइप कर सकते हैं यहाँ पर से, है ना। और बी जो है यहाँ पर जस्ट गेप दे देना है। अब गेप देने के बाद में यहाँ पर देखिए भोपाल सी करके फिर यहाँ पर से डाल दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। क्या देना है यहाँ पर से, मुंबई डाल देना है और इसको बराबर जमा लीजिएगा। और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है इसको आपने क्या कर लेना है, आगरा। ठीक है दोस्तों, कोई भी आप कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। देखिए ये ऑप्शन बन गया, अब ये एक क्वेश्चन बन गया है ना। यहाँ पर से हम लोगों को अगर टाइप करना है तो यहीं से टाइप करना होता है इसको। आप अगर चाहे तो कलर भी दे सकते हैं, बट नहीं देना है, ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है, एक वीडियो बनता है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपको केवल इसको बस सेलेक्ट करना है तो एक को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस वाली लाइन को। और अगर आपने सभी को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर से हम लोगों को क्या करना है, इसको कलर देना है या फिर बड़ा करना है, तो ये सारा चीज़ आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को आगे डिज़ाइन भी दे सकते हैं, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बट मैं इसको नहीं देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि आपको सेटिंग वगैरह करना है तो आप सेट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं, है ना, और काफ़ी अच्छा बन जाएगा ये। अब इसके बाद में तो ये दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हम लोग टाइप इसको ऐसी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से इसको जस्ट अगर बेक करना चाहे तो देखिए ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको पूरा बेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नोट कलर नोट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 27 तारीख के दिखा रहा है, यहाँ पर से ये आ गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर से फिर जाके 27वें वाले को सेलेक्ट करके देख सकते हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर सेव हो चुका है। अब इसको हम लोग कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं जिसका लिंक जो है इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन के नीचे में दिया हुआ है। तो आप उस ऐप का यूज़ करके और साथ ही साथ एक पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये सारा चीज़ें वहां से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ जानकारी ज़रूर प्रदान की होगी। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि नए नए वीडियो का जो है जानकारी आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।